न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। रोहित शर्मा इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट मैच सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। अजिंक्य रहाणे पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। नियमित कप्तान विराट कोहली दूसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल होंगे और टीम की अगुवाई करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके टीम की घोषणा की है। खास बात यह है कि रोहित शर्मा, जो कि T20 सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करने जा रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, यानी इस टेस्ट सीरीज में वो नहीं खेलेंगे। रोहित के अलावा प्रमुख तेज गेंदबाज जैसे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर को दोनों टेस्ट मैचों से आराम दिया गया है। इसके अतिरिक्त विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को बायो बबल की थकान से निजात दिलवाने के लिए टेस्ट सीरीज से फिलहाल बाहर रखा गया है। विराट कोहली पहले टेस्ट के अलावा T20 सीरीज में भी टीम के साथ नहीं होंगे। साउथ अफ्रीका के दौरे को ध्यान में रखते हुए इसका निर्णय लिया गया है। अब रहाणे के कप्तान बनने के बाद पहले टेस्ट में उपकप्तानी का भार चेतेश्वर पुजारा के कंधों पर होगा। गौरतलब है कि T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत में होगी। यहां उसे 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। 2 टेस्ट कानपुर और मुंबई में खेले जाने हैं। भारतीय टीम पर एक नजर डाल लेते हैं। अजिंक्य रहाणे कप्तान होंगे, KL राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा उपकप्तान होंगे, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रिद्वान शाह विकेटकीपर के तौर पर होंगे, KS भारत विकेटकीपर के तौर पर, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा इस टीम का हिस्सा होंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।